फोर बेसिक हम इसी के लिए करते हैं, फोर बेसिक हम इसी के लिए करते हैं ताकि सब लोग अपनी टीम बढ़ाएं। रिक्रूटमेंट का मतलब है अपनी टीम को बढ़ाना, अपने टीम में लोगों को लाना, और ये काम हम पहले दिन से समझ जाते हैं करना है हमें, और इसको सीखने के लिए फोर बेसिक हम लगातार सिखाते भी हैं। लेकिन रिटेल वाला जो पॉइंट है, रिटेल कुछ लोग हमारी टीम में करते हैं बहुत अच्छा, और कुछ लोग रिटेल बिल्कुल नहीं करते, तो ऐसे कौन कौन लीडर्स हैं यहाँ पर जो रिटेल कर रहे हैं, मैं एक बार देखना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कभी भी आपके पास रुकेगा नहीं, यदि रिटेल आप करने में अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं लगातार, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं लोगों से तो ये उत्तर तो मिल जाता है कि नहीं अभी हम ये बिजनेस नहीं करना चाहते, ऐसे उत्तर तो आपको मिलते हैं। लेकिन रिटेल उनको भी किया जा सकता है जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, और जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड है उन्हें तो आप फोर बेसिक के माध्यम से अपनी टीम का हिस्सा बनाते ही हैं। लेकिन जो लोग रिटेल, जो लोग बिजनेस में अभी नहीं इन्वॉल्व हो रहे, उनको भी रिटेल के माध्यम से प्रोडक्ट देख के, उनको प्रोडक्ट की खूबियां क्या है उसका बेनिफिट देने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, और कल को उनको भी अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। तो चलिए मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो कि रिटेल कर रहे हैं, हर वीक हर दिन जो प्रयास करते हैं कि रिटेल किया जाए। यस, मैं देख पा रही हूँ हमारे शर्मा जी यहाँ पर हैं, शर्मा जी से बात करते हैं किस तरीके से वो रिटेल का बेनिफिट ले रहे हैं, और बाकी सभी लीडर्स से मैं चाहूंगी कि वो ध्यान से सुने, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको जरूर करना है, आना ही चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं हम तो रिटेल नहीं करेंगे, यदि हम रिटेल नहीं करेंगे तो जो लोग हमें नो बोल रहे हैं उनको हम फ्यूचर में भी अपनी टीम का हिस्सा कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनको कुछ रिटेल करेंगे तभी तो उनको प्रोडक्ट समझ में आएगा, तभी तो वो आपके बिजनेस के बारे में जानने को तैयार होंगे जब उनको आज रिटेल किया जाएगा, ताकि उनको प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस आए। यस शर्मा जी, प्लीज वेलकम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं रिटेलिंग से ही मैक्सिमम लोगों को, जितने भी लोगों को लाया हूँ, तो रिटेल करके ही, प्रोडक्ट दे करके ही लाया हूँ, ताकि जी वो पहले, मतलब इससे बैकडोर एंट्री भी कहते हैं हमारे इस बिजनेस में। तो पहले प्रोडक्ट दीजिए और उनके बेनिफिट बताइए उनको, और जब उनको रिपीट लग जाए वो चीज़ होने, तो उनको बिजनेस बता दीजिए कि आप इसमें आप भी अर्न कर सकते हैं। तो मेरे मैक्सिमम, मैं इसी तरह से कर रहा हूँ अभी, तो मैक्सिमम लोग मेरे इसी तरह से जुड़े हैं, मतलब डायरेक्ट बहुत कम आ रहे हैं, बाकी इसी के थ्रू आ रहे हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अच्छा, कितना कितना रिटेल आप करते हैं नॉर्मली, एक व्यक्ति को कितना अमाउंट का सामान आप देते हैं और किस तरीके से देते हैं? मैम उसके नीड के अकॉर्डिंग देता हूँ शुरू में, तो जो जो उसको डिजीज है या जो उसको प्रॉब्लम है, उस हिसाब से मैं 2,000 का है या 3,000 का है या 1,000 का है, जो वट एवर जो मतलब उसकी नीड है, उस पहले उन्हीं को देता हूँ मैं। फिर उसके बाद जैसे उनको लगता है कि हाँ बेनिफिट हुआ, फिर उनके परिवार वालों को या समथिंग, कोई और भी है रिलेटिव है या फ्रेंड्स हैं, तो उनको फिर पूछता हूँ कि उनको भी दे सकते हो आप। फिर धीरे धीरे फिर उनका लगता है कि हाँ इसमें मोटिवेशन आ गया या इफेक्ट हो रहा है, तो फिर वो लग जाते हैं आगे काम करने। फिर उनकी आईडी जनरेट कर देता हूँ उसी टाइम, और जो उन्होंने प्रोडक्ट भी लिए थे उसको भी फिर उन्हीं के उस आईडी पे डाल देता हूँ, ताकि जो उन्होंने पहले भी लिए थे, ताकि मतलब वो उसको बेनिफिट मिल जाए उस चीज़ का कि आपका ये इस तरह से हो गया। तो मेरी ये अच्छा, स्ट्रेटजी। आप जो व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि नहीं हमें किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब क्या करते हैं आप, कौन से प्रोडक्ट उनको रिकमेंड करते हैं? मैक्सिमम ऐसा कोई इशू होता ही नहीं भी कुछ किसी को गलत प्रॉब्लम ना हो, मतलब कुछ ना कुछ कमी डेफिशिएंसी रहती रहती है। तो फिर हम हेल्थ का बता देते हैं कि देखो विटामिन B12 है, विटामिन डी है, ये मैक्सिमम लोगों में कमी रहती है, तो उसमें न्यूट्रीलाइफ पाउडर सबसे बेस्ट है, और नहीं तो स्पिरुलिना गोल्ड, अगर न्यूट्रीलाइफ पाउडर नहीं ले पाते स्पिरुलिना गोल्ड लीजिए। और जो पैसे वाले हैं उनको 95 को रिकमेंड करते हैं मैक्सिमम, कि कुछ ना कुछ बहुत चीज़ें बहुत तो सुंदर, है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप ये जो रिटेल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो कॉस्ट आप लेते हैं उनसे, वो क्या कॉस्ट आप ले रहे हैं? देखो मैम, जिनका मुझे लगता है कि ये आईडी बना लेंगे आप, मतलब मैं इनको कन्विंस कर लूँगा, तो उनको मैं रिटेलिंग नहीं कर, मतलब डीपी पे देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। और या सपोज कोई मेरे आउट ऑफ स्टेशन है, यहाँ से आउट ऑफ टाउन है, तो उनको तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि देखो ये MRP है और ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। तो अगर मुझे, क्योंकि प्रोडक्ट जो जाएंगे उनको थ्रू डीपी पे जाएंगे, उनको जो बिल जाएगा वहाँ पे, तो उनको पहले ही बता देता हूँ कि ये चीज़ ऐसे है, तो आप अपनी आईडी बना लीजिए और
ये आपको प्रोडक्ट सस्ते पड़ जाएंगे, तो वो अपना आईडी बना लेते हैं कि ठीक है इतना बेनिफिट मिल रहा है हमें तो अच्छी बात है, इसमें 1000-2000 रुपये बच रहे हैं, तो ये मेरी बहुत स्ट्रेटेजी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है शर्मा जी आपका, और बहुत अच्छे से आप रिटेलिंग कर रहे हैं अपने नजदीक में भी लोगों को फिजिकली मिलके भी, और दूर जगह है जहां पे आप सिर्फ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं उनके साथ भी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको आपके सुंदर प्रयास के लिए, और इसको बिल्कुल इसी तरह से बढ़ाते चलिए, देखिए आपको बहुत बढ़िया तरह से रिजल्ट बढ़ते चले जाएंगे और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टीम आना शुरू हो जाएगी। यस डिंपल चौधरी मैम, आप बताइए मैम, आप किस तरीके से रिटेल, जो हमारा 7R का दूसरा हम टॉपिक ले रहे हैं रिटेल, इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं? जी नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम सबसे ज्यादा मेरा जो रिटेल होती है वो पार्लरों और कॉस्मेटिक की शॉप पे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर मतलब जो डेली यूज का जो हमारा सामान है, जो पर्सनल केयर में हम यूज करते हैं वो वाला, जैसे हेयर फॉल वाला है, पिंपल्स वाला है, और ड्राई और नॉर्मल स्किन वाला है, तो ये बता के मैं पार्लरों पे सबसे ज्यादा सामान सेल करती हूँ। और उन लोगों को मैं मतलब डीपी और एमआरपी दोनों चीज बताती हूँ। जैसे जो आईडी अपनी लगाता है उसे तो मैं डीपी पे दे देती हूँ सामान, और जो आईडी नहीं लगाते हैं उन्हें मैं एमआरपी पे सामान देती हूँ। और पूरा जी जोड़ने के बाद में फिर वो बोलते हैं कि मैम थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा है, तो मैं एक एक प्रोडक्ट से मैं से कम नहीं करती, पूरी एमआरपी जोड़ने के बाद में जो लास्ट में जो बचता है उसको हटा के जो मेन मेन आता है उसको ले लेती हूँ मैं। क्या बात, और दूसरी बात यह है मैं अपने प्रोडक्ट खुद यूज करती हूँ, सारे जितने भी हैं मतलब घर में इस्तेमाल करने वाले हों, चाहे मेडिसन हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं एक चीज बोलती हूँ, गारंटी दे के आती हूँ, अगर फायदा नहीं करता है खुला हुआ प्रोडक्ट वापस है, क्योंकि आजकल जो दुकानदार है वो यही कहते हैं कि कस्टमर गारंटी मांगता है, तो जब मैं यूज करती हूँ अपने ऊपर इस्तेमाल करती हूँ तो मैं कहती हूँ खुला हुआ प्रोडक्ट कंपनी वापस नहीं लेगी लेकिन मैं वापस ले लूंगी, क्योंकि क्रीम अगर कोई लगा रहा है तो उसमें वैसे तो नहीं लगा रहा, वो तो हाथ पे लेके लगाएगा तो वो खराब तो हो नहीं सकती। और वैसे मैं उन्हें, जैसे हमारा हेयर फॉल का है 2 महीने का टाइम है तेल और शैम्पू का, तो मैं 2 महीने का टाइम उन्हें दे के चलती हूँ, और फायदा तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है, तो इस तरह से, और वो 2 महीने में खत्म भी हो जाता है, एक तेल रह जाता है, तो तेल तो हमारा नॉर्मल तरीके से पूरी फैमिली भी लगा सकती है, तो मैम प्रोडक्ट भी वापस नहीं आता, और एक भरोसा भी होता है पार्लर वालों को भी, दुकानदारों को भी होता है, और कस्टमर को भी हो जाता है। और फिर कभी अगर कोई दुकानदार कहता है कि मैडम हम इतना महंगा सेल नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक चीज बोलती हूँ, मेरा नंबर लीजिए, मैं कार्ड दे के आती हूँ, ये कार्ड मेरा अपनी दुकान में लगा दीजिए, अगर इस सामान के बारे में अगर कोई कस्टमर पूछता है तो आप अपने बेशक बिजी हैं, आप बोल देना इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, ये मैडम ये सामान रखे गई हैं, तो वो लोग मेरे पास अगर फोन करते हैं, लेने वाले कस्टमर जो आते हैं उनकी दुकान पे, उनको समझा के MRP बता के, और वैसे उनसे कह देती हूँ उठा के दे दीजिए और पैसे ले लीजिए, ये काम है क्या बात मैम। मैम, तो दुकानदारों की भी मदद कर रही हैं कि भाई कैसे, तुम्हें टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, बस नंबर बता दो, मैं सारा समझा दूंगी। बहुत सुंदर मैम, बहुत ऐसा प्यारा होता है ना मैम एक्सपीरियंस। कि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, और कस्टमर को जब तक पूरी नॉलेज ना हो तो प्रोडक्ट लेके नहीं जाता वो, जी तो इसलिए। और एक कॉस्मेटिक की शॉप पे तो मेरे काफी समय से पिंपल्स का ही प्रोडक्ट जा रहा है, बॉडीलिंग क्रीम और 3-in-1 फेस वॉश ही लेती हैं वो तो। और अभी थोड़ा सामने ने पार्लर का उनकी कॉस्मेटिक थोड़ी ऐसी चल रही है, अभी मैं फिलहाल उन्हें ज्वाइन कर लूंगी, क्योंकि मेरा मतलब सामान पहुंचता रहता है तो बात तो होती रहती है, तो उन्हें ज्वाइन करके ही पीछा छोड़ूंगी, इससे पहले तो नहीं, किसी और कंपनी में तो जाने नहीं दूंगी। बहुत सुंदर मुकेश सर, आप नोट कर लीजिए, एक दिन डिंपल मैडम का ना हमें एक सेशन कराना है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है हमारी उस वाले दिन, ताकि मैम अपने सारे के सारे जितने प्रोडक्ट खुद यूज करके पार्लर में यूज करवा रही हैं और लोगों को रिकमेंड कर रही हैं, उनके बारे में मैम पूरे आधे घंटे में अच्छे तरीके से एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, तो ये प्रैक्टिकल जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी ये बहुत शानदार होगी, और मुझे लगता है इसी वीक में हमारी डिंपल मैडम की ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग कराई जाए, तो फ्राइडे को होता है हमारा प्रोडक्ट का सेशन, मैम लेंगी आप इस बार फ्राइडे को, जी मैम जरूर, है ना, आपके हाथ में सारे प्रोडक्ट भी होने चाहिए, और दिखाएं और बताएं उनको, और पूरे कॉन्फिडेंस से बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट कैसे आपने यूज किया है, उसका क्या क्या बेनिफिट लिया है। जी मैम।
बहुत सुंदर प्रोग्राम हो जाएगा इस बार फ्राइडे का हमारा, जो प्रोडक्ट के ऊपर डिंपल मैडम लेंगी और बड़ा प्रैक्टिकल प्रोग्राम होगा। चलिए हम मनीषा जी से पूछते हैं। मनीषा मैम, यस नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। मैम पहले रिटेलिंग के बारे में बताऊं कि कैसे करनी है वो बताएं। आप रिटेलिंग कैसे कर रहे हैं आप बता दीजिए, आप लोगों को किस तरीके से रिटेल कर रहे हैं, रिटेल यदि आप कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। यस मैम। मैम रिटेलिंग देखिए कि अगर हमें रिटेलिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और हमने उसको यूज किया हो तो हम बहुत अच्छे तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस से उनको बता सकते हैं। और मैम हमारे भी ज्यादातर लोग जो ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग तो बिजनेस के उससे ही ज्वाइन हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम अगर हम कहें तो प्रोडक्ट से ही आए हैं। तो प्रोडक्ट उनको उनकी नीड के हिसाब से हमने दिया और उन्होंने यूज किया, उसके बाद रिजल्ट आए। तो जैसे हम खुद भी इस बिजनेस में प्रोडक्ट से ही आए थे, तो हमको भी ये लगता है कि अगर फेथ आ गया एक बार तो फिर वो बिजनेस भी ज्वाइन करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैम रिटेलिंग भी हम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जाती भी है। और मैम ये क्या है कि जैसे जो हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया तो वो अगर हम बताएंगे तो पूरे कॉन्फिडेंस से बताएंगे, तो उनको भी लगता है कि हाँ सच बात है कि ऐसा हो सकता है और इससे इतना रिजल्ट आता भी है। तो मैम हम भी अच्छे से रिटेलिंग करते हैं और टीम में भी मैम बहुत अच्छी रिटेलिंग चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, एक हमारा बहुत ही सुंदर सा प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट भी हमारे पास एक नहीं है, दो तीन टूथपेस्ट हैं। किसने टूथपेस्ट की रिटेलिंग की है, या टूथपेस्ट किसने रिकमेंड किए हैं, जरा मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे किस किसने टूथपेस्ट को रिकमेंड किया है, क्योंकि एक टूथपेस्ट भी आपके एक ग्राहक को आपके पास आपके और नजदीक ला सकता है, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग करते हुए बिजनेस की तरफ ले जा सकता है। यस शर्मा जी, दीपक कुमार मिश्रा जी, हिमांशु जी हाथ उठा रहे हैं। चलिए पूछते हैं कौन कौन से पेस्ट को कैसे कैसे रिकमेंड किया है। यस शर्मा जी बताइए। मैम मैंने मैक्सिमम जैसे रेड टूथपेस्ट है, इसको पहले यूज किया था खुद, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। तो एक बार मैं पार्क में ऐसे ही घूम रहा था, तो वहाँ पे एक मैंने ऐसे पूछा, मैं कहा जी आपको कुछ हेल्थ इशू हो तो बताइए, तो लेडी थी वो, तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो कुछ नहीं, दांत में दर्द हो रहा है आजकल, दांत में क्या बोल रहा है डॉक्टर, बोले तोड़ने को बोला। मैं कहा अच्छा तो तोड़वा लीजिए, बोले नहीं टाइम नहीं लगता इसके लिए। तो मैं कहा अच्छा, तो फिर मैं कहा हमारे पास तो फिर इसके लिए टूथपेस्ट है, उसको यूज करके देख लीजिए, अगर आपको बेनिफिट होता है तो दांत पुराना टूट रह जाएगा आपका। बोले हाँ हाँ सर लेके आइए पक्का। तो उस दिन तो मेरे पास नहीं था, तो सेकंड डे मैं लेके गया वहाँ पे, और उनको मैंने दिया। 2-3 दिन में ही उनका मतलब उस टाइम उन्होंने पैसे नहीं दिए थे मुझे, और ये कहा था कि मैं मेरे पास अभी नहीं है, बाद में दूंगा। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद उनका खुद ही वो आ गया कॉल के, ये सर बहुत बेनिफिट हुआ मुझे उससे, और मेरे दांत की दर्द भी चली गई, और दांत तोड़वाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैं अमरूद भी नहीं, उस टाइम अमरूद का सीजन चल रहा था, तो कि घर में अमरूद आते थे, अमरूद भी नहीं खा पाती थी, अब मैं अमरूद भी खा रही हूँ, हर एक चीज़ कर रही हूँ। तो उससे मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था कि ये चीज़ें मतलब मुझे तो पता था ही, पर मतलब इस तरह से भी काम कर जाती है, जैसे किसी के दर्द है या कुछ ऐसे, तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो फिर मैंने इस पे भी काफ़ी लोगों को रिकमेंड किए, मतलब मैक्सिमम तो दे देता हूँ मैं, जहाँ भी प्रोडक्ट जाते हैं मेरे, के साथ में टूथपेस्ट भी ले लीजिए, तो ये तो हर जगह घर पे यूज होता ही होता है, तो मैक्सिमम देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। जो लोग बिल्कुल अभी रिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है आपकी टीम में आप लोगों की सब लोग यहाँ पर आप जो बैठे हैं आप लोगों के पास टीम है, और जिनके टीम में अभी तक कोई रिटेलिंग नहीं कर रहा है, उनको आप पेस्ट से शुरुआत करा सकते हैं कि भाई एक पेस्ट तो एटलीस्ट रोज रिकमेंड करिए। अगर रोज एक पेस्ट निकालना हो तो हमें लोगों से ही तो बात करनी है, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कहे कि नहीं जी उसे अच्छा पेस्ट नहीं चाहिए या वो पेस्ट चेंज करने को तैयार ना हो। कई लोगों के घर में कॉलगेट पेप्सोडेंट ऐसे पेस्ट यूज होते हैं या कोई भी यूज होता है, तो उनसे कहा जा सकता है ना इस बार आप हमारा ये वाला पेस्ट लेके देखिए कितना बढ़िया है, और इस तरीके से उनके घर में अपना एक पेस्ट आपने पहुंचा दिया, तो डेली आप समझिए इस पेस्ट के साथ उनका टच और पूरे परिवार का टच हो जाता है और उनको पसंद आएगा। और अगली बार जब आप एलिमेंट ब्रांड की बात करेंगे, जब अगली बार आप ऑन एंड ऑन ब्रांड की बात करेंगे, तो अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको टेस्ट किया है, उन्होंने उसको यूज किया है, उन्होंने उसका फायदा लिया है। यस दीपक मिश्रा जी हमारे बैठे हैं हमारे बीच में, और मैं इनवाइट करूंगी दीपक सर को, वो बताएं कौन से पेस्ट को कैसे रिकमेंड कर रहे हैं, वो किस तरीके से इसका रिटेल कर रहे हैं। यस दीपक सर नमस्कार मैडम जी। मैडम नमस्कार जी, नमस्कार। जी, मैक्सिमम जो ऐसे लोग होते हैं जिनका शुरुआत, चूंकि सुबह पेस्ट से ही होता है, तो
तो हमने कई घरों में पेस्ट को रिप्लेस करवाया है अदर कंपनीज से, खासकर सेंसोडाइन वगैरह का जो यूज करते हैं उनको हमने नॉर्मली पहले यूज करवाते हैं, जो हमारा हर्बल पेस्ट ऑन एंड ऑन का है, और उनको कहते हैं आप कुछ मत चेंज कीजिए, बस एक बार इस पेस्ट को चेंज करके देखिए क्या इफेक्ट आता है। और वो लोग हमेशा फिर वो हर्बल से इस्तेमाल किया या हमारे रेट से इस्तेमाल करते हैं, जो स्टार्ट करते बोलते हैं सबसे बेस्ट यही है, इसके अलावा कोई और पेस्ट हम नहीं लेना चाहेंगे, कंडीशन ये हो जाती है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब देखता हूँ उस एरिया में अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो मैक्सिमम जो हमारे पास है, जो जिनके पास बोलते हैं नहीं अभी कोई मेडिसिन हम नहीं ले सकते, तो हम पेस्ट से स्टार्ट करते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट उसका आता है, उसके बाद तो बाकी प्रोडक्ट उनके घर में चला ही जाता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए रिटेल के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी डिम्पल मैम का तो आप फ्राइडे को देखेंगे ही, उनके पास तो पर्सनल यूज से रिलेटेड कितने सारे प्रोडक्ट अच्छे अच्छे हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं, वो सब वो बताएंगी ही डिटेल में। लेकिन पेस्ट एक ऐसी चीज है जो हर घर में कोई मना कर ही नहीं सकता। यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति के घर में कुछ तो दे के आना है, तो पेस्ट आप ले लीजिए 10, और 10 पेस्ट को निकालना शुरू करिए 10 दिन में, मुझे लगता है 5 दिन में ही निकल जाएंगे, कि बहुत आसान है। और उसके बाद फिर ले लीजिए 10 पेस्ट, और फिर ले लीजिए 10 पेस्ट, पता चलेगा आप महीने में 100 पेस्ट बेच चुके हैं और आपको जरूरत है, इतनी रिटेलिंग हो जाएगी। ये तो कंपनी हमें नहीं कहती ना कि हमको एक प्रोडक्ट नहीं लेना या क्वांटिटी में नहीं लेना, ऐसा तो नहीं बोलती ना। आप पेस्ट है, ये शैम्पू है, ऐसी चीजों से भी किसी भी घर में अपनी जगह बना सकते हैं, अपना स्थान बना सकते हैं। यस हिमांशु जी, हिमांशु जी ने क्या अनुभव किया है रिटेलिंग का, प्लीज बताइए। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। जी। मैं भी ऐसे ही करता हूँ और मैं ऑप्शन में रख देता हूँ। जैसे हमारे पास में 3 टेस्ट है, जो मेन टेस्ट है शुगर्ड और लेड लेड वाला और नॉन हर्बल टेस्ट। मैं तीनों एक साथ दिखा के अंदर और ऑप्शन में रख देता हूँ कि तीनों ही एक ही काम करते हैं। मुंह से आती है, पहले प्रॉब्लम है ब्लड आता है, वो तो मेरे से कोई सा भी चॉइस कर लो और ऐसा 99.99 हो जाता है कि तीनों में से कोई ना कोई चॉइस हो ही जाता है। तो मुझसे पूछता है तो मेरे को तो हिमांशु जी का नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, अब तो शायद है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस प्रोग्राम को और बेहतर, ये सुहेल थैंक यू। अंसारी जी ने भी हमारे बीच में हैंड रेस किया हुआ है। सुहेल जी आप बताएंगे। जी मैडम, टूथपेस्ट मैंने भी कई बार सेल किया है, कई लोगों को दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और टूथपेस्ट अक्सर क्या है मैडम, खुद ही निकल जाता है। जैसे अभी मैडम बता रहे थे, लाल कृष्ण शर्मा ने बताया था, जैसे हम लोगों के साथ में होते हैं या दोस्तों के साथ में होते हैं तो कभी कभी कहते हैं ना, कह रहे हैं गुटखा खाता हूँ या मेरे दांतों में दर्द होता है, मसूड़े फूल रहे हैं, तो उस हिसाब से कई बार रेड टूथपेस्ट अपना आप चला जाता है, सेल करने की जरूरत नहीं होती, खुद ही लोग मांग लेते हैं। और जैसे हमारे घर पर काफी सारा सामान रखा हुआ है, तो कई बार कई औरतें आई तो हर्बल वाला खुद से ही लेके गई है, मुझे पता नहीं था, मेरी वाइफ ने कई बार उठा के दे दिया है। तो टूथपेस्ट तो वाकई बहुत अच्छा है और अपना आप ही चला भी जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार से मुकेश सर हम एक काम कर लें कि जो लोग 10 10 पेस्ट लेंगे और रिटेल करेंगे, उनका देखें कुछ अच्छा सा हमारे टीम में हो, एटलीस्ट शुरुआत तो हो, ये अपनी पसंद हो कि कौन सा आप हर्बल ले रहे हैं या रेड पेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इन पेस्ट को लेकर 10 10 पेस्ट कौन कौन लेके निकाल देता है और कैसे कैसे उनके कस्टमर के नाम वो बताएं, ऐसा कुछ हम शुरुआत करें ताकि रिटेल और बढ़िया हो। ऐसा नहीं है कि मैम सबसे ज्यादा जो सेल होता है पेस्ट में, रेड पेस्ट और हर्बल पेस्ट सबसे ज्यादा सेल होता है, ये दोनों पेस्ट। अगर पूरी फैमिली के लिए अगर कोई सस्ता मांगता है तो तुलसी में दे दीजिए, और उसके मतलब पेस्ट के अगर उन्हें फायदा बता के चलोगे ना, जैसे कोलगेट तो करना ही करना है, अगर फेस के लिए भी उसमें जैसे हर्बल पेस्ट है उसका थोड़ा सा ऐड अगर फेस के लिए कर दोगे ना तो और जल्दी सेल होता है। और ऐसे ही हमारा तुलसी मिल्ट, ये दोनों मतलब अगर फेस के कारण से बता के चलोगे तो और जल्दी बहुत जल्दी सेल होता है। और दूसरी बात उनसे बोलो कि भाई देख 2 4 दिन करके देख ले, अगर फायदा नहीं होता ना तो मैं खुला हुआ वापस ले लूंगी या ले लूंगा, तो मैम बहुत जल्दी सेल होता है। कर चला अगर 2 4 दिन करके देख लेते हैं फायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो वापस तो हो ही जाएगा।
यस इतना उसको वो दे दो ना कि भाई वापस ले लेंगे, तो इंसान को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये बहुत अच्छी और बात बताई है मैम। मैम इसलिए लोग कह नहीं पाते, बात जो खुद नहीं करते ना यूज वो कभी वापस के लिए बोलते ही नहीं है, और जो इंसान खुद यूज करता है ना वो वापस के लिए जल्दी बोल देता है, तो एक कस्टमर के अंदर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि अरे यार वापस के लिए बोल दिया है, और दुकानदार तो कभी वापस भी नहीं लेगा, तो वो झट से चल भाई दे देगा, कोई बात नहीं कितने का है, तो ऐसे करके सेल हो जाता है। चलिए तो मैम आपको अगर कहा जाए कि पेस्ट सेल करने हैं तो कितनी क्वांटिटी आप कितने दिनों में, 10 दिनों के अंदर कितने सेल कर सकती हैं पेस्ट कोई मैम भी? 10 दिन में तो मतलब हो जाएंगे, मतलब 20 या 15 आराम से सेल हो जाएंगे। चलिए तो 10 पेस्ट आप इकट्ठा ले सकते हैं, एक बार में 10 पेस्ट ले सकते हैं। जी मैम और देखिए हमारी किसी भी, आजकल तो बहुत सारी आईडीज को आपको संभालना है, बचाना है, आईडीज के ऊपर चल रहा है मैटर। मैं चाहूंगी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे हमारे मुकेश जी भी। लेकिन और कितने लोग हैं जो तैयार हैं कि भाई 10 पैसे इकट्ठा लेंगे और फिर उसका रिकॉर्ड रखेंगे कि हमने ये, आप सोच के देखिए डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यदि आपने भी सेल किए तो आपकी टीम में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पेस्ट निकालेंगे, और जब पेस्ट निकाल सकते हैं तो 9 to 5 भी निकलेगा। जब पेस्ट निकालने के लिए बोलना शुरू करेंगे सीखेंगे तो कवच ब्रश भी निकलेगा, जब पेस्ट के लिए बोलना शुरू करेंगे तो वेल हेड भी निकलेगा। तो कितने लोग हैं इस बार, करते हैं मुकेश जी ये भी कॉन्टेस्ट करते हैं बढ़िया सा सुंदर सा, कि जिसमें 10 पेस्ट ले लेके कौन कौन निकालेंगे, या 10 पेस्ट ले या 10 जो भी चीज आपको लगता है नमस्कार और उसको निकालें। यस यस कमलवीर जी नमस्कार मैम। नमस्कार। कमलवीर जी आज तो सर एमएमसी में आपका इंतजार था, कहाँ थे आप बताइए जरा। जी, एक्चुअली मैम मैं इस समय नेटवर्क में था, रास्ते में था, और मैं जब वहाँ पहुँचना था मुझे लेट हो गया था पहुँचने के लिए, जहाँ से ट्रेनिंग देने था ना वहाँ पहुँच के मैंने कहा ट्रेनिंग दूंगा, रास्ते में लेट हो गया, फिर मुकेश सर आ गए थे, फिर मैंने साइलेंट रहा, मतलब साइलेंट फिर क्या मैं रहे आप, देखता बहुत देर तक नहीं आए आप, विजुअलाइजेशन जी वाले प्रॉब्लम प्रोग्राम तक भी नहीं आए। देखिए यदि आपने जी समय दिया है, एक दिन का समय अगर वीक में आपने दिया है एमएमसी का, तो उस दिन तो जी आपको 20 मिनट पहले 10 मिनट पहले वहां पहुंचना जरूरी है, ताकि आप वहां पे रिलैक्स होके और मीटिंग कर पाए, और ये चीज आपके अंदर बिल्कुल लीडरशिप को इम्प्रूव करेगी, है जी ना। मैम, जी बिल्कुल आप मैम। बता रहे थे कुछ पेस्ट मैं के हाँ बारे में। पेस्ट इसके बारे में बताना चाह रहा था मैम, पेस्ट के बारे में। तो पेस्ट के बारे में बहुत अच्छी खासियत है, बहुत बेहतरीन पेस्ट है, सब लोगों ने बताया। लेकिन मेरा मानना ये रहता है, जब मैं लोगों के पास जाता हूँ या लोगों किसी को कुछ देता हूँ या कुछ प्रोडक्ट उन्होंने मांग लिए मुझसे, मैंने उन्हें सारा चीजें कन्विंस कर दिया, तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मैं कुछ आपको स्पेशल देना चाहता हूँ। वो कहते हैं क्या, मैंने कहा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप चूज कर लीजिए आपकी क्या क्या पसंद है। तो वो लोग चूज कर लेते हैं, उसके बाद मैं कहा मैं कुछ देना चाहता हूँ अपनी ओर से, तो वो मैं देता हूँ उनको पेस्ट। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, अगर कुछ भी नहीं तैयार हो रहे लेने के लिए तो मैं उनको बताता हूँ फिर लास्ट में पेस्ट के बारे में। तो पेस्ट तो हर आदमी जो ना है कहीं भी कोई भी ले लेता है, और मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं लोगों के घर में जाता हूँ, जहाँ रेड हर्बल या हमारा हर्बल पेस्ट रखा हुआ मिलता है, तो मैं कह रहा हूँ वो कंटिन्यू चलता है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कई बस बार कहीं जाना मिलता है मुझे। तो ये तो स्पेशली मैं अपनी तरफ से कई लोगों को, अगर 3-4-5 हज़ार का किसी ने मेरे से सामान ले भी लिया तो मैं एज ए गिफ्ट के रूप में भी उसे पेस्ट दे देता हूँ। तो पेस्ट फिर उसकी नीड बन जाता है और फिर वो उसे कंटिन्यू अपने लाइफ में शामिल करना शुरू कर देता है। मुझे ऐसा हुआ है मेरे साथ कि फिर वो लोग उसको रेगुलर मुझसे मांगते हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है। तो तो चलिए सब लोग पेस्ट खरीदेंगे, कम से कम 10-10 पेस्ट जरूर खरीदेंगे, खरीदने को बिल्कुल तो 20 भी खरीद लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन कम से कम दस दस बिल्कुल पेस्ट सब लोग लेंगे और निकालेंगे और अपना मैं अनुभव बताएंगे। इस महीने में 30 पेस्ट खरीदूंगा और 30 पेस्ट को रिटेल भी करूंगा खुद से ही, क्या बात है, बहुत थर्टी सुंदर बहुत थर्टी दिन में। सुंदर, चलिए बहुत सुंदर, बिल्कुल बोल बिल्कुल सब लोग कर सकते हैं। और आज का हमारा रिटेल का ये बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, और इसकी क्लोजिंग के लिए मैं, हमारे बीच में हमारे डॉक्टर रविंदर सर मौजूद हैं, मैं बहुत ही सम्मान के साथ सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि आज की इस प्रोग्राम हमारा रिटेल के ऊपर जो लीडरशिप, ये लीडर्स का प्रोग्राम रहा है वो कैसा रहा है, प्लीज बताएं सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर प्रोग्राम है रिटेल का। कल हमारा था रिक्रूटमेंट का और आज था रिटेल का, जो कि 7 आर का हमारा दूसरा आर है। तो बहुत खूबसूरत रहा है रिटेलिंग का, जैसे डिंपल मैडम ने बताया कि हमें कैसे कैसे वो यूज करती हैं, मनीषा मैम ने भी बताया और सुहेल जी ने भी बताया, हमारे कमलवीर जी कह रहे हैं कि 30
करेंगे वो पर डे का एक के एवरेज के हिसाब से, तो बहुत सुंदर पेस्ट है भी, बहुत खूबसूरत। अगर किसी ने करना शुरू कर दिया तो दूसरे पेस्ट की तरफ देखेगा भी नहीं, वो पेस्ट हमारे इतना बेहतरीन है, हर्बल का तो जवाब नहीं। और अगर उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के, अगर थोड़ा सा मालिश करके और फिर उसके बाद में थोड़े गुनगुने पानी से कुल्ला करें, जिनके प्रॉब्लम है उनके लिए, तो वो बहुत शानदार रिजल्ट देता है। और जैसे दीपक जी ने भी बताया कि रेड पेस्ट से बहुत सारे लोगों को वहां से रिप्लेस करवा चुके हैं, तो बहुत सुंदर है। अगर हम पेस्ट के ऊपर ही आ जाए, और हजार हजार का भी अगर हम पेस्ट यानी ये 10 पेस्ट भी निकाल दें, तो हमें रिटेल करने की एक तो हैबिट पड़ जाएगी और बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और टीम में डुप्लीकेशन भी अच्छा चला जाएगा। एक शुरुआत हम पेस्ट से कर सकते हैं, बाकी के तो हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स बहुत शानदार हैं और लगने वाले हैं, क्योंकि जो चीज चाहिए हमें वो खाने से तो नहीं मिल रही है, ये हमारे प्रोडक्ट ही उनकी पूर्ति करवाएंगे, चाहे उनको ठीक करने की बात हो या शरीर में कोई कमी आ गई है उसे पूर्ति करने की बात हो। तो हर हाल में हमारे प्रोडक्ट्स सारे A to Z बहुत शानदार हैं, और हम उसका बहुत अच्छी तरीके से रिटेल कर सकते हैं। और सुबह का जो प्रोग्राम रहता है हमारा MMC वाला, वो तो कमाल का प्रोग्राम रहता है। और उसके मैं तो ये कहता हूँ कि एक दिन पूरा ये बताइए कि मैडम के इसमें MMC का फायदा क्या होगा, होता क्या फायदा, और इसकी क्यों जरूरत है, इसके ऊपर भी अगर एक हमारा छोटा सा अगर सेशन हो जाए, तो हमारे जो लीडर्स हैं इनको भी कई सालों को पता नहीं है कि ये आखिर MMC का फायदा क्या है। अगर उसके ऊपर फायदे के ऊपर बात करेंगे कि मिलता क्या है उससे, तो फिर बहुत बेहतरीन तरीके से हम सब लोग फोकस भी करेंगे और अपनी टीम को भी अच्छी तरीके से फोकस कराएंगे, क्योंकि उसको अभी हल्के में ले रहे हैं सभी लोग, तो वो हल्के में नहीं लेना है, वो बहुत कमाल की चीज है, बहुत ही पावरफुल है हमारे सारे दिन के लिए, हमारे कह रहे 24 घंटे के लिए। अगर सुबह सुबह अगर हम MMC कर लेते हैं तो पूरा 24 घंटे हमारे शानदार गुजरते हैं। और खास तौर से जो बिजनेसमैन हैं, हम सभी लोग बिजनेसमैन हैं, सपने हैं, सपनों को पूरा करने के लिए MMC की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे प्रोडक्ट की तो है ही है, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है इसके ऊपर भी अगर चर्चा हो जाए तो बहुत सुंदर है। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा बोला सर ने। और मेरे दिमाग में अभी भी एक विचार आया कि हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट, जैसे हमने 10-10 पेस्ट की बात की है, अगला प्रोडक्ट हमारा 10 दिन के बाद दूसरा होगा, तीसरी बार अगला होगा, और एक दिन ऐसा होगा आप सब लोग 95 भी बेच रहे होंगे, 10-10 प्रोडक्ट नए नए कस्टमर्स को। आप सोच के देखिए उस दिन आपकी रिटेलिंग कितनी हो जाएगी, कितना बेहतरीन रिटेल हो रहा होगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है। यदि आप कोई एक चीज बेच सकते हैं तो दूसरी चीज भी आराम से बेच सकते हैं, और यदि पेस्ट हर घर की जरूरत है तो 95 भी हर घर की जरूरत है। हमें इसको बढ़ाते हुए जाना है। तो सबसे पहला वीक जो व्यक्ति रिटेल शुरू कर रहा है वो शुरुआत कर सकता है इस पेस्ट से, और ऐसे ही हम हर वीक बढ़ाते चले जाएंगे हर 10 दिन के बाद इस प्रोडक्ट को। और देखते देखते आप देखिएगा कि आप 1,000 रुपए का प्रोडक्ट भी हर रोज बेचने लग जाएंगे, इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी। संतोष नायर को हमने सुना है कि वो डेली कौन सा था वो, एक्वा गार्ड था शायद, नहीं, वो था यूरेका हाँ, फोर्स, यूरेका फोर्स, वो जो मशीन होती है, यूरे यूरेका फोर्स थी उसकी मैडम, आरओ आरओ मशीन जो थी यूरेका बस फोर्स, वो क्या बोलते हैं, क्लीन करने के लिए वैक्यूम वैक्यूम क्लीनर वो बेचते थे डेली। तो सोचिए, एक व्यक्ति एक वैक्यूम क्लीनर जो कि सिर्फ उन घरों में इस्तेमाल होता है जिनमें बहुत ज्यादा चीजें लग्जरी और वो सब होता है, आम आदमी तो झाड़ू से ही काम चला लेता है, तो वो डेली बेच लेते थे। तो हमारे प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो हर घर में लगने वाले, तो हम क्यों नहीं इनको रिटेल कर पाएंगे। तो ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हमारा विचार रहा आज का। आप सब लोगों से बातचीत करके बहुत मजा आया, और बिल्कुल सब लोग अपना अपना 10-10 पेस्ट का जरूर एक बार टारगेट, शुरुआत छोटे से करेंगे तो बड़े तक पहुंचेंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस से पहुंचेंगे। और यदि आपने पेस्ट निकालने की कोशिश की तो अपनी टीम को भी आप बोल पाएंगे कि बिल्कुल, तो मैं भी 10 पेस्ट जरूर मंगाऊंगी, और मैं खुद रिटेल करूंगी, और मैं बताऊंगी भी आपको कि मैंने किस किस को रिटेल किया। और आप भी मंगाइए और आप भी करिए, और देखिए कितना मजा आता है, हम लोग बहुत बढ़िया तरह से इसको कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम को यहाँ क्लोज करते हैं हमारे मुकेश जी के माध्यम से। प्लीज वेलकम मुकेश सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लीडर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने बड़े प्यार से बताया किस तरीके से वो लोग रिटेलिंग कर रहे हैं,
देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा रिटेल, इसमें हम लोग मेनली तीन चीज देखें, रिटेलिंग है क्या, रिटेलिंग करनी क्यों है, रिटेलिंग करनी कैसे है। ये तीन चीजों के ऊपर आप देखें। रिटेलिंग क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपना सामान देना, किसी भी व्यक्ति को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स देना, यूज करने के लिए उसे यूज करवाना, ये रिटेलिंग है। अब ये हम किसको करवा सकते हैं? जो भी व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में नहीं आ रहा है, हम सिर्फ उसको प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं। हमने उसको प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद उसको बोला, सब कोई बात नहीं, अभी आप बिजनेस स्टार्ट अभी करना नहीं चाह रहे, आप समय मांग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना समय लीजिए, लेकिन आप कुछ हमारे कुछ बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट तो यूज करके देख ही सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति मना नहीं करता, बोलता है हाँ प्रोडक्ट्स तो यूज कर सकते हैं। तो बस उनके हाथ में कैटलॉग पकड़ा दीजिए, बोले सर देख लीजिए इसमें से मैं क्या क्या ऑर्डर कर दूं आपके लिए, और वहीं से आपको 1,000 2,000 4,000 का प्रोडक्ट्स का ऑर्डर मिल जाता है। तो एक तो ये सबसे पहले तो ये रिटेलिंग करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि प्लान दिखाइए, प्लान के बाद फॉलोअप में वो ज्वाइन नहीं हो रहा है तो उसको प्रोडक्ट्स के लिए तैयार कर लीजिए। दूसरा एक तरीका होता है कि आपको ऐसी सिचुएशन हो रही है कि वहां प्लान नहीं दिखा सकते, प्लान दिखा नहीं सकते, वैसा माहौल नहीं है, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है, उसका पेट निकल रहा है, तो आप उसको पूछ सकते हैं, वैसे सर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, बोले बताइए, बोले आपने अपना लीवर का टेस्ट कब करवाया था, बोले मैंने लीवर का टेस्ट तो नहीं करवाया सर, मुझे है ना डाउट हो रहा है कि एक्चुअली आपका लीवर फैटी हो रहा है। आपको कैसे पता है? एक्चुअली सर मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर ही काम करता हूँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप चाहें तो एक बार आप अपना लीवर का टेस्ट जरूर करवा लीजिए, और फिर यदि आपको लगता है कि उसमें लीवर फैटी आया है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो फिर वो खुद कई बार तो बोलता है कि चलो ठीक है मैं टेस्ट करवा लूंगा, कई बार बोलता है तो ठीक है तो इसका इंतजाम क्या है। तो फिर मैं बोलता हूँ इसका इंतजाम ऐसा है, एक प्रोडक्ट आता है लिवगेन करके, वो आप यूज कीजिए 2-3 महीना लगातार, आपका लीवर एकदम नॉर्मल आ जाएगा और आपको लगेगा कि आपका पेट भी अंदर चला गया है। तो पेट अंदर चला जाए, इससे बड़ी आज की तारीख में इस हिंदुस्तान में दूसरी कोई खुशी है नहीं। सबसे बड़ी खुशी यही है कि जिसका पेट निकल रहा है उसका पेट अंदर चला जाए, और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर वो बोलता है तो ठीक है ये कहाँ मिलेगा, बोले मैं आपको जो है अवेलेबल करवा देता हूँ, फिर आप उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, जहाँ बिजनेस की बात नहीं कर पा रहे हो आप डायरेक्ट किसी को प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, या दांतों के लिए टूथपेस्ट जैसे अभी बात हो रही थी वो प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे हमारे किसी के बाल कम हो रहे हैं सर पे, तो उससे बालों की बात कर सकते हैं, कोई ओवरवेट है तो उससे हम ओवरवेट की बात कर सकते हैं, मतलब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की भी बात कर सकते हैं एज अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। और जब एक बार प्रोडक्ट जाना चालू हो जाएगा तो फिर हम उसको धीरे से बिजनेस में भी ला सकते हैं। तो ये है रिटेलिंग। रिटेलिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि रिटेलिंग करने से क्या हो जाता है, हमारा जो रिपर्चेज का जो मैटर है कि हमें हर महीने, कल में एक लीडर है उनको सुन रहा था, जो हमारे जो डायमंड लीडर हैं सुरंजन दास जी को, तो सुरंजन दास जी का कहना है कि हर एक एसटीसी अबव लीडर को मिनिमम 10,000 की रिपर्चेजिंग एवरी मंथ करनी चाहिए, मिनिमम 10,000 की रिपर्चेज हर एक एसटीसी अबव की मिनिमम होनी चाहिए, और फिर इसी चीज का डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो यदि हम 10,000 का प्रोडक्ट रिपर्चेज कर रहे हैं तो उसमें से 2-4 हजार का हम घर में भी यूज कर लेंगे, बाकी का 6,000 का जो प्रोडक्ट है वो हमारा रिटेल तो करना ही है। तो रिटेलिंग होगी तो रिपर्चेज भी होगी, इसके अलावा जब प्रोडक्ट रिटेल होगा तो वहां से जब वापस रेस्पॉन्स आएगा तो हमारे रेगुलर यूजर्स भी बनेंगे और वो बिजनेस में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी टीम में रिटेलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेलिंग होने से क्या है, किसी की भी कोई भी वीक खाली नहीं जाएगा, हर वीक इनकम बनेगी, क्योंकि यदि व्यक्ति सामान लोगों को दे रहा है तो उसे परचेस भी तो करेगा, तो उसे अपनी आईडीज के ऊपर परचेस करेगा। तो इसलिए रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज आ जाती है, रिटेलिंग कैसे करनी है, तो कैसे करनी है उसके लिए तो हम सब लोग बात कर ही रहे थे। अब इसमें एक नई चीज और बहुत बढ़िया जो मैडम जी ने आज ऐड की है कि चलो करके देखते हैं, इस हफ्ते 10 प्रोडक्ट सेल करते हैं, 10 टूथपेस्ट, अगले हफ्ते फिर 10 लिवगेन, उसके अगले 10 महाभृंगराज, उसके अगले हफ्ते फिर 10 95 करते हैं, एक एक करके प्रोडक्ट पकड़ते हैं, और इस वीक को टूथपेस्ट का वीक हो गया, रिटेलिंग में टूथपेस्ट वीक, अगले हफ्ते लिव अगेन वीक, उससे अगले हफ्ते ब्लड प्यूरिफायर वीक, उससे अगले अगले हफ्ते वुमन कंपेनियन वीक, फिर एक वीक आएगा 95 वीक। और आप सोच के देखिए, यदि हमें लोगों को देने की आदत पड़ गई, हम लोगों को देने लगे, और आपके एक एक वीक में यदि एक एक व्यक्ति 10 10 95 निकालने लगा, तो सोच के देखो टर्नओवर कितना बड़ा होगा। और मैम जिस दिन लोग एक हफ्ते में 10 95 निकालेंगे, इनके लिए एक सुंदर सा प्यारा सा गिफ्ट जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो इनाम में देंगे सबको, वो चलिए अब बहुत सरप्राइज है, वो भी बताएंगे नहीं क्या रहेगा, लेकिन वो ऐसा गिफ्ट रहेगा जो लोगों को इस बिजनेस में डायमंड बनाने के लिए सबसे ज्यादा मदद करने वाला है।
लेकिन वो देंगे उनको जो एक हफ्ते में कम से कम 1095 सेल करेगा, वो गिफ्ट हम लोग देंगे, हमारी तरफ से देंगे। डन। तो ये था आज का हमारा सेशन रिटेलिंग के ऊपर। अब कल हमारा सेशन रहेगा रिपर्चेज के ऊपर, राइट। रिक्रूटमेंट हो गया, आज रिटेलिंग हो गया, कल हम रिपर्चेज के ऊपर सेशन करेंगे। रिपर्चेज के बारे में हम लोग बात करेंगे, रिपर्चेज क्या होता है, रिपर्चेज क्यों करनी चाहिए, रिपर्चेज कैसे हम ज्यादा से ज्यादा खुद की भी कर सकते हैं और टीम की करवा सकते हैं। तो चलिए अभी सेशन को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। मुलाकात होगी कल, कल नहीं, आज शाम को हमारे हेल्थ सेमिनार में। तब तक सभी को नमस्कार। नमस्कार।